जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा है, वही कार्टून्स को क्रिएट करने वाले हैं, वही एनिमेशन आज आप सभी के सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर हो चुके हैं 12,100 सब्सक्राइबर। तो जल्दी से 15,000 का टारगेट पूरा करा दूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी के लिए हमने ढेर सारी कार्टून अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी कार्टून से रिलेटेड आती है, सीधा आप मैसेज करिए, हम आपके मैसेज की प्रतीक्षा करेंगे। तो चलिए अब समझाना शुरू करते हैं कि ट्रैक्टर वाली, बस वाली, कार्स वाली कैसे एनिमेशन क्रिएट की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ टूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किसके बारे में अपना बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको कार के बारे में बनाना है या फिर आपको ट्रैक्टर के बारे में बनाना है अपनी एनिमेशन, तो उसी इमेज को आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ट्रैक्टर के बारे में बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैक्टर सर्च करेंगे, ट्रैक्टर PNG और इमेजेस। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप यह मत करें कि भैया हमारे पर कॉपीराइट ना आ जाए, यह आ जाए, वो आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने का मेरे भाई। तो यहाँ पर यह कार्टून्स का ही लग रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे कि कार्टून्स जैसा हमें बाय, इस तरीके का आपको इमेजेस यहाँ से उठा लेना है। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई बढ़िया सा इमेज उठाएंगे जो कि कार्टून्स के बारे में हो। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम सारी, तो यहाँ पर एक काम करिए, आप कार्टून्स और यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे आप टाइप यहाँ पर कार्टून्स के नाम करेंगे, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इमेजेस मिलेंगे एंड कार्टून करेक्टर्स भी और कार्टून्स ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ऐसा करेक्टर लेना है जिसका कोई कुछ इस तरीके का, देखिए कुछ इस तरीके का करेक्टर लेना है, या फिर आप इस करेक्टर को ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इस करेक्टर को यहाँ से देखेंगे कि क्या बढ़िया करेक्टर है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारा करेक्टर बढ़िया है। हम क्या करेंगे, इस करेक्टर को यहाँ पर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस करेक्टर को हम इजीली डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारा करेक्टर डाउनलोड हो चुका है। यदि आपको और भी कोई ट्रैक्टर चाहिए, जैसे कि सिंपल करेक्टर चाहिए, तो आप ट्रैक्टर चाहिए तो यहाँ से आप सिंपल ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। तो आप इस ट्रैक्टर को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको इमेज जो PNG में है वो डाउनलोड कर लेने हैं। यदि आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो शायद इससे तो प्रॉब्लम नहीं आती है, गूगल से करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपको इरेजर एप्लीकेशन को बताना, जो इरेजर एप्लीकेशन है हमारा उसको ओपन करना है एंड इन लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना जो इमेज आपने डाउनलोड करके लाए हैं उन इमेज को एक एक करके यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड PNG में से डन पर क्लिक करके PNG में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने यह होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ब्लैक कर लेना है। सेकेंड आपको ऑप्शन होगा ऑटो कलर, ऑटो कलर पर खाली स्थान पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये ऑटो कलर अपने आप कर दिया जाएगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको इसे डन करना है। डन करने के बाद टू पर लेके जाना और इसे ब्लैक करना है, देखना कि कहीं पर कोई हमारा दिक्कत तो इसमें नहीं आ रही है। तो और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है बिल्कुल सही है हमारा, कोई भी हमें इशू नहीं देखने को मिला, तो हम यहाँ से सेव कर लेंगे। और इसके पहियों को आपको जरूर से डाउनलोड करना है, तो पहियों को भी वहीं से डाउनलोड कर लें। जो भी पार्ट्स चाहिएंगे वो आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड करा देंगे आप चाहेंगे तो, और नहीं तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, हमने किए हैं वैसे। देखिए दोस्तों, एक और काम यहाँ पर करना है, वो मैं यहाँ पर जाना है आपको मैजिक वाले ऑप्शन में, और यहाँ से मैजिक वाले ऑप्शन में जाकर इसे यहाँ से इस तरीके से इनके जो पहिए हैं उनको इरेज कर देना। कितना इरेज करना, इतना बहुत, देखिए इतना कुछ इस तरीके से यहाँ से सीज लगा करके बढ़िया करके इस तरीके से रीच कर देना है। यदि यहाँ से कोई इशू होता है तो मैनुअल वाले ऑप्शन पर भी जा करके आप इसे रीच कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से बड़े ही प्यार से ऐसे रीच कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये है होगा कि हम जब भी इसके ऊपर कोई पहिए अटैच करेंगे तो हम इसीलिए इसके ऊपर कोई पहिया भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इशू हमें नहीं होगा। यदि हम इसको रीच ना करते तो फिर प्रॉब्लम्स आती थोड़ी बहुत, तो हमने इस तरीके से इसे कर लिया। यहाँ पर आप ट्रॉली के पहिए को भी इस तरीके से कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम इसे भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, और ना ही करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जैसा आपको अच्छा एनिमेशन लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल दोनों तरीके से ही हम बताने वाले हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। डन बटन पर क्लिक कर देंगे फिलहाल से, और दूसरे यहाँ पर जैसे अपनी क्वालिटी को चेक करके कि कोई हमारा कट तो नहीं हो रहा है पार्ट, और इसे सेव अस वीडियो पर कर देंगे। तो हमारे सेव होने के बाद सीधा हम काइन मास्टर में चलते हैं, चलिए मिलते हैं। सो मेरे भाई, हम आ चुके हैं सीधा काइन मास्टर में। जैसा कि हमने बताया था कि एक इमेज को PNG कर लेना है, तो PNG हमने इसी इमेज को कर लिया। PNG इमेज को करने के बाद हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट किया, कोई भी कलर यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि जो भी कलर आपको चाहिए। तो फिलहाल हम व्हाइट रख रहे हैं क्योंकि व्हाइट से हमें बढ़िया रहेगा, और जब हमारी एनिमेशन बनेगी तब हम इसे चेंज कर देंगे। आपको जितनी लंबी एनिमेशन इसके अंदर क्रिएट करनी है वो आप इस तरीके से
कर लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर 24-25 सेकंड के एनिमेशन को क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, जाना है वहीं पर जो हमने आपको व्हील बताए थे कि व्हील आपको डाउनलोड करने हैं, तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिए थे। इनको अब डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद इन्हें PNG आपको कर लेना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आपको कुछ इस तरीके से बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इन्हें एडजस्टिंग करनी है। अब आपने इतना कर लिया, इसे फुल साइज में कर देना, जहाँ तक ले जाना उतना, इसे जितना बड़ा करना है। देखिए आपको बना बनाया मिल रहा है सब कुछ, तो यार क्यों नहीं लेना चाहेंगे। अब आपको एक काम और करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है। अब डुप्लीकेट करने से क्या होगा, देखिए डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड टू बैक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, तो आपके दोनों पहिए इसके अंदर देखना शुरू हो जाएंगे। आपको एक काम जरूर कर देना, थोड़ा सा ऐसे कर देना जिससे आप वास्तव में ही लग रहा है कि हाँ इसके डबल पहिए हैं। लेकिन पहले हमको प्रतीत ऐसा नहीं हो रहा था कि इसके डबल पहिए हैं, लेकिन अब हमको बिल्कुल लग रहा है। अब यहाँ पर एक काम और करना, इसको आपने डुप्लीकेट एक बार और कर लेना है। जैसे आप डुप्लीकेट करेंगे तो इस पहिए को यहाँ से उठा करके और यहाँ पर छोटा इस पहिए को करके आप यहाँ पर एडजस्टिंग इसे कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारे पास कोई और पहिया है, हम उसको और लगाना चाहते हैं, रिप्लेस बटन पर क्लिक करके रीचर वाले ऑप्शन में जा करके आप यहां से उस दूसरे पहिए को भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपने अपना डाउनलोड किया है। तो हमारे पास बस यही है, तो हम यहां से इसी इमेज को यहां पर इम्पोर्ट करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहेगा हमको कि हम बढ़िया तरीके से करेंगे कि जो कि हमें कोई भी इशू यहां पर देखने को ना मिले। तो यहां पर हमारा कुछ इस तरीके से फिर से बनकर आया। हम फिर से इसे डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करने के बाद सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो इमेज है फिर से एक पीछे पहुँच जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा इमेजेस यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इमेजेस को, चाहे आप अलग इमेजेस को ले लें, तो हम यहाँ पर एक इमेजेस और आपको इंपोर्ट किया, बढ़िया एनिमेशन क्रिएट करके दिखाएंगे बढ़िया। तो हम यहाँ पे PNG इमेज एक और हमने ले लिया है और इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद जहाँ पर इसे ऐड करना है, देखिए इस हेयरों में यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने पार्ट्स कट कर दिया है ना, इस वजह से नहीं होगा ये सब। तो हमने यहाँ पर इतना कर दिया, जैसे हम इसे करेंगे तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारी यहाँ पर क्रिएट होकर नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपको नॉर्मली दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको, तो इसे हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी बहुत मेन रोल है। तो हम यहाँ से फटाफट से इन सभी को बराबर कर लेते हैं। अब देखिए हम इसे बड़ा कर देते हैं, हमारे कितने पहिए हो गए, टोटल 6-7 पहिए हो गए। एक पहिए पर आपको क्लिक करना है, ट्रैक्टर को छोड़कर पहिए पर आपको क्लिक करना है। एनिमेशन जो बीच में एनिमेशन है, ओवरले एनिमेशन, यहाँ पर काफ़ी एनिमेशन है, तो आपको नीचे को क्लिक करना है और काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये जो आपका पहिया है वो मूव करता हुआ नज़र आएगा। आपको लगता है कि यार इसमें तो कोई इशू आ रहा है, मतलब ये बड़बड़ाता नज़र आ रहा है, तो आप इस तरीके से इसे सेट कर लीजिए और बढ़िया तरीके से, तो आपका ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको फिर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अलग इमेजेस को, अलग पहिए को इसके अंदर ऐड कर दें, तो यह प्रॉब्लम आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कुछ पहिए होते हैं जो कि मतलब गलत तरीके से बना दिए जाते हैं, जिससे वो ऐसा इशू आता है। अब आपको जो भी और पहिए बचे हैं सभी में यही एनिमेशन को डाल देना है, क्योंकि सभी एक ही दिशा में मूव करेंगे, ना कि कोई एक पहिया इधर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फटाफट से हम सभी में यही एनिमेशन को डाल देते हैं। अब इतना करने के बाद जो लास्ट पहिया बचा है, इसमें भी यही एनिमेशन को हम, देखिए एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे सीधा और क्लॉक वाइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी में यही एनिमेशन को क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ ट्रैक्टर इस तरीके से यहाँ पर मूव होगा। यदि आपको इसके अंदर, इसके ऊपर कोई करेक्टर्स को रखना है, किसी ऐसी व्यक्ति को रखना है जो कि ऐसा लगे कि हाँ यह वास्तव में ट्रैक्टर चला रहा है, तो वो एनिमेशन कैसे डालेंगे, आपको उसके लिए क्रोमा टून में चलना होगा। तो चलिए फटाफट से क्रोमा टून में चलते हैं और वहाँ जाकर भी आपको समझाते हैं। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आने के बाद आप सभी जानते ही होंगे कि एक करेक्टर हमने इम्पोर्ट कर लिया है। अब करेक्टर को इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आई की वाला ऑप्शन सभी के क्रोमा टून में मिलता है, ऐसा नहीं कि हमारे में ही है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये नॉर्मल करेक्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना आपका ये करेक्टर्स मिल चुका है, तो आपको क्या करना है, ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब आपको क्या करना है, इनके जो नीचे देखिए यह जो बटन है जो यहाँ पर है, इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच के लेके जाना है और यहाँ पर ऐसे लगा देना है, इसके लिए कुछ ऐसे लगा देना है, ठीक है। ऐसे
इतना करने के बाद आपको क्या करना, बड़ी ही आसानी है। अब ऐसा हमें लग रहा है कि यह बंदा बैठा है, अब इतना आपको करने के बाद रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करना है इस तरीके से, और ग्रीन स्क्रीन तो हमने सेलेक्ट कर ली है, बैकग्राउंड को हटाकर आपको ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। यदि आप नहीं जानते तो वीडियो को देख सकते हैं, यार मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो आपको रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको क्रोमा टून पर क्लिक करके वैक करके और यहाँ पर ओके पर क्लिक करके यहाँ से वैक हट जाना है। तो हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ से हो चुकी है पूरी। अब हम काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड हमने काइन मास्टर में आ चुके हैं, यहाँ आकर के क्या करना है आपको, जो आपने ग्रीन स्क्रीन इम्पोर्ट करी है, जो ग्रीन स्क्रीन है इसको यहाँ पर लेके आना है, इसका क्रोमा की करना है। सबसे पहले इसकी क्रॉपिंग कर लेनी है। अब क्रॉपिंग को करने के बाद इसका क्रोमा की कर लेना है, क्रोमा की आप सब जानते होंगे। क्रोमा की करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। क्या करना है, सेंड टू बैक। जैसे हम सेंड टू बैक करेंगे तो हमारा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके पीछे चले जाएगा, और यहाँ पर बड़ी ही अच्छी तरीके से बड़े ही प्यार के साथ आपको इसे यहाँ पर सेट करना है। यदि आप और छोटा करेंगे तो और बढ़िया देखने को लग जाएगा, तो वहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि थोड़ा आप बड़ा करें तो एकदम बढ़िया लगे हमारा, ठीक है। इतना हम बड़ा कर देंगे, आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ वास्तव में ही हमारा करेक्टर ट्रैक्टर पर बैठा है और मछली काट रहा है। तो आप इस तरीके की एनिमेशन हमारी यहाँ पर बनकर आएगी, जो आपने इसकी रिकॉर्डिंग करी है उसकी आवाज़ को आपको यहाँ पर जा करके जीरो ज़रूर से सॉरी क्या हुआ कर देना है। इतना आपको करने के बाद यहाँ से आपको वैक हटना, और इस कलर को हटा करके आपको ग्रीन कलर को या फिर ब्लू कलर को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आपका जो कलर है, आपका जो करेक्टर यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यदि आपको ब्लू कलर आप इंपोर्ट करते हैं, ग्रीन कलर यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, जब भी हम क्रोमा की करेंगे तो दिक्कत आएगी। हम यहाँ पर कोई और कलर हमें चूज करना होगा अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम यह सेलेक्ट करेंगे तो यार हमारा जो करेक्टर उसका पार्ट यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो आपको इस तरीके से अपने करेक्टर को कस्टमाइज करना है कि हमारे करेक्टर का रंग और बैकग्राउंड का रंग कहीं मैच तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से और कलर चूज कर लेंगे। कोई भी कलर हो सकता है, यह नहीं कि भैया हमें यही कलर चाहिए, कोई भी कलर हो सकता है, सभी का क्रोमा की हो जाता है। तो हम इस तरीके से फुल कहते बिल्कुल पूरा कर देंगे। अब हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पर कोई भी इशू अब नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे हम वहाँ जाकर काट लेंगे। यदि आपको और लगता है कि यार एक पहिया और लगाना चाहिए कहीं है, तो आप इस तरीके से इसे डुप्लीकेट करेंगे और आप यहाँ पर भी इस पहिया को लगा सकते हैं। इसका आकार थोड़ा छोटा कर लीजिए जिससे कि देखने में बढ़िया लगे। आप इस तरीके से इसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा आकार इसका बड़ा कर दीजिए। ओ सबसे नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे लगा है ये पहिया हमारा, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा करते हैं जैसे कि दिख नहीं रहा है कि यार कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो उसकी टेंशन हमको लेनी नहीं है क्योंकि सब सुधर जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तो बड़े ही प्यार के साथ इसे सेट करना है क्योंकि बहुत सूक्ष्म बन चुका है। अब आगे से प्ले करेंगे तो एकदम बढ़िया बिंदास एनिमेशन हमारी बन चुकी है। अब आपको इस एनिमेशन को क्या करना है, इस तरीके से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इस वीडियो को। अब एक्सपोर्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। चलिए मैं एक्सपोर्ट करके मिलता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो एक्सपोर्ट बहुत कम होती है, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सो फ्रेंड हम आ चुके हैं दोबारा से काइन मास्टर में, एक बैकग्राउंड हमने इम्पोर्ट कर लिया है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, जो हमने वीडियो जस्ट एक्सपोर्ट करी है उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, क्रोमा की वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, इनेबल इसे कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही चुटकियों से आसानी से इरेजर हो जाएगा। अब इतना आपको करने के बाद इस बैकग्राउंड को आपको छोटा कर लेना है, और छोटा करने के बाद आपको इस तरीके से इसे लेकर आना है, यहाँ पर कुछ ऐसे इसे अंदर सटा देना है। अब सटाने के बाद आपको एक काम ज़रूर से कर देना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमारा पार्ट था वो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट था, तो हमने उसे निकाल दिया है, और यहाँ से क्या करेंगे इस बैकग्राउंड को भी हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इतना आपको करने के बाद हमारी 23 सेकंड की एनिमेशन बन रही है। आप मन चाहें जितनी छोटी एनिमेशन भी बना सकते हैं, आप चाहें कि हम तो भैया 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड की बनाना चाहते हैं तो आप इतनी भी एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ से इस पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत समझने की ज़रूरत है, आपको की वाले ऑप्शन पर चले जाना है। बहुत ही सिंपल एनिमेशन आज की इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर एक की प्रेस कर देनी है, जैसे आप की प्रेस करेंगे तो आप आगे को चले जाएंगे पूरा, और इस अपने ट्रैक्टर को उठाकर यार
यही दिक्कत होती है कि ज़मीन नहीं दिख पाती। जब ज़मीन नहीं दिखेगी तो एनिमेशन कैसे बढ़िया बन पाएगी। चलो तो हम कुछ इस तरीके से इसे निकाल कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ज़मीन पर निकाल कर ले गए। अब इसे वीडियो को प्ले करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया तरीके से हमारी एनिमेशन क्रिएट हुई है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आई है सीखने में, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आई है, तो हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यार ये छोटी एनिमेशन बढ़ गई, हमें तो बहुत बड़ा इसका ट्रैक्टर बनाना था, तो आप वो भी कर सकते थे फिलहाल, लेकिन अब तो नहीं होगा। इसे इस तरीके से आप बढ़ा कर सकते थे यहाँ से, जैसे हमने छोटा किया था। अब आपको कोई और तरह की एनिमेशन, जैसे कि आप यहाँ पर एक इफेक्ट यूज कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, इमेज वाले ऑप्शन में जा करके हम चलते हैं अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में, और वहाँ से हम आपको एक चीज़ जानकारी देते हैं कि जैसे कि आपको ग्रास इसके अंदर ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर करते हैं। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर ग्रास का इमेज ले लिया है। ग्रास की इमेज को लेने के बाद आपको इसे बड़ा करना है, और बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो बढ़िया एकदम बिंदास तरीके से हमारे सामने ये व्यू आएगा, और आप इसी तरीके से बड़ी बड़ी एनिमेशन को क्रिएट करके अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं वैसे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।